भारतीय जनता पार्टी इन दिनों देश भर में सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी में जोड़ने में लगी है, लेकिन इसी सदस्यता अभियान के भरवाए जा रहे फॉर्म ने मध्य प्रदेश की राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया है। इस फॉर्म में बीजेपी सदस्यता लेने वालों से उनकी जाति के बारे में पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के फॉर्म में नए सदस्यों से ये पूछा जा रहा है कि वह किस जाति वर्ग से संबंध रखते हैं। फॉर्म में बकायदा इसके लिए 5 विकल्प भी दिए गए हैं, जिसमें नए बनने वाले सदस्य को ये बताना होगा कि वह सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति वर्ग से है। बीजेपी के सदस्यता फॉर्म में जब जाति का कॉलम आया तो मध्य प्रदेश की राजनीति में विवाद खड़ा हो गया और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जातिगत राजनीति करती आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जातिगत राजनीति करती आई है। ये बात अलग है कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अभी पिछले चुनाव में हमने मोदी जी को बोलते सुना था कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं और ये राजनीति भाजपा और समाजवादी पार्टी करती है, पर असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसी तरह की बंटवारे की राजनीति ही करती आई है और उसी का प्रमाण है ये कि वो अपनी मेंबरशिप फॉर्म में तक इस बात को इंगित कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि वो किस जात पात धर्म को मानने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा से जाति पर आधारित राजनीति रही है और समाज को बांटने वाली राजनीति रही और उसी का प्रमाण है। देखिए, सबका साथ सबका विश्वास और तमाम इनके नारे केवल खोखले हैं और हम देख चुके हैं कि जो लिंचिंग जैसा ईविल हमने बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही देखा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही लिंचिंग शब्द का भी अर्थ काफ़ी लोगों को पता लगा है और हमने देखा किस तरह से गौ रक्षा के नाम पर इनके जो गुंडे हैं, बजरंग दल के हों चाहे तमाम दूसरे इनके संगठन से जुड़े लोग हों, गरीबों को मारते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, ये हमने इनकी सत्ता में ही देखा है। तो इसलिए ये तमाम जो नारे ये बुलंद करते हैं, सबका साथ सबका विकास, खोखले नारे हैं और असलियत में इनसे इनका इन नारों से कोई लेना देना नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। हमारा मंत्र है सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा। अब कांग्रेस तो कभी सदस्यता पदस्यता करती नहीं है, वहां तो अध्यक्ष का पता नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक का सिस्टम कोलैप्स हो गया है। अब जब हम कह रहे हैं सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को जोड़ेंगे, इसमें कौन सा पाप कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के पास जाएगी और सर्वव्यापी मतलब हर बूथ पे जोड़ेंगे। तो हम तो पन्ना प्रमुख बना रहे हैं बूथ पे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पता नहीं कौन होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। इस परिवार का कांग्रेस के कोई धनी ढोरी नहीं बचा, उसके लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वो अपनी चिंता करें, हम पे सवाल खड़े ना करें।